हमारे घर एक मेहमान आया नया, तो अभी हम आपको मिलाते हैं, चलिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फगुनिया 07 ऑफिशियल में। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं, मतलब कि 3-4 दिनों के बाद आज कोई ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं ड्यूटी लगातार जा रहा था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम होने के कारण मैं आप लोग को ब्लॉग नहीं दे पा रहा था। और ये अभी क्या कर रही है, मोबाइल चला रही है, देख सकते हैं, केक भी खा रही है, केक मंगा के खा रही है। और जीवा भी केक मंगा खाए लेकिन हमको नहीं दी। जीवा दिखा बेटा, आज जीवा सो के उठी इसीलिए फ्रेश नहीं लग रही है ना जीवा। तो फ्रेंड, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, जिसे आप देख करके आप भी ज़रूर खुश हो जाइएगा। तो मैं दिखाता हूँ कि वो मेहमान कौन है, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बहुत अच्छा प्यारा मेहमान है, मतलब रोज़ मेरे घर आता है और खाता पीता है जाता है। तो अभी दिखाते हैं हम आपको, पहले कि मैं आप लोग को दिखाऊं। और जीवा और फगुनिया, आज इसके लिए चाय अभी हम बनाते हैं, क्योंकि मैं रात को ड्यूटी करके आया था, तो अभी आराम से शाम हुआ है, तो मैं ही बनाऊंगा चाय, है ना। तो तुम बैठो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सुतो, सुला दे, तकिया दे देगा, तकिया लगा हुआ है और इसीलिए आराम से ये सो रही है। तब तक हम बना लेते हैं चाय, थोड़ा थोड़ा चाय पीते फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सुबह से रात में काम किए, सुबह आए फिर हम सो गए थे। तो अभी चाय भी हम उससे पहले हम देख सकते हैं चढ़ा दिए थे, चाय हो रहा है। लाइट का मैं थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, इस रूम का लाइट कटा हुआ है। तो चलते हैं चाय थोड़ा सा पी लेते हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा शाम का वक्त था इसीलिए हम लोग थोड़ा आ गए हैं बाहर घूमने के लिए, और जीवा मेरे साथ है। जीवा, और जीवा सो के उठी है इसीलिए वो बोल नहीं पा रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फगुनिया कैसे जल्दी जल्दी जा रही है घूमने के लिए। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे मंदिर है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे ब्लॉग में मेरा देखे होंगे। और यहाँ पर अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप शंकर भगवान के दर्शन आप भी कर लें। और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा आगे घूमने के लिए। तो अभी देख सकते हैं मेरे पीछे फगुनिया कैसे है, अभी वो मंदिर आएगी। वैसे तो हमारे घर के सामने घूमने का उतना अच्छा जगह नहीं है, लेकिन एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं बैठने के लिए। तो अभी फगुनिया देखिए कैसे अभी दक्ष को लेकर के पहाड़ घूमने हम जाएंगे, पहाड़ में चढ़ के। कौन वो पहाड़ पे जाएगी? हाँ। तो वो पहाड़ देख सकते हैं काफी बड़ा हो गया, कोयला निकालते निकालते वहाँ जाएगी घूमने के लिए। अच्छा से ले लो दक्ष को। और जीवा भी छोटे छोटे पैर से कैसे घूमने जाती है। जीवा तभी आ चुके हैं यहाँ पे, बैठेंगे कुछ देर, थक गई दक्ष, तुम भी थक गया बेटा, थक गए थे, आराम करेंगे, बैठ गए लो, बैठ गए तो दक्ष का देखते जू है क्या बाल में, तो दक्ष गिरता एक बार। हाँ दक्ष, कैसा लग रहा है तालाब आपके बेटू? इन लोग का तो पूरा मन लगता है तालाब, पूरा मजा आता है ना, मछली मारे। जीवा देखना बेटा, गिरना मत उधर, अभी बारिश है ना, पूरा पानी भरेगा, यहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक। दक्ष तुम भी जाएगा बेटा, और यहाँ से इधर आ, देखिए एक और आया, ये हो जरिकना। अरे रियांस, इसका नया जूता है ना रियांस। हाँ। हाँ। बोल दिया, दांत दिखा, दांत दिखा रियांस, दांत दिखा, दांत दिखा, और के को दांत हो गया, जीवा तो 32 दांत हो गया है ना जीवा। अभी हमको एक दांत आ ये रहा अभी। हाँ अभी तुम बच्चा है ना, इसीलिए बच्चा नहीं, बूढ़ी का दांत आता है मेरा और। तो बूढ़ी का दांत आता है तो बूढ़ी हो गई तुम। अभी मेरा दांत आ रहा है इधर साइड में, इसका दांत कैसे आता है दिखा।
देखें दांत देखें ना दिखा। आपके तरफ गए थे घूमने तो उधर से घूम के आए और एक चीज़ लेके आए हैं वो हम दिखाते हैं, वो भगवान जी है। तो हम देखिए यहाँ पे लाख लगाए तुलसी क्योंकि मेरे आंगन में था, उसके बाद बकरी इतना सारा था कि खा गया। तो फिर हम आज फिर से गए उधर घूमने और लेके आए और वे चेंज वेंज कर लिए। दक्ष देखिए कैसे हाथ से दूध पी रहा है ना, दक्ष हंस दिया। और जीवा देखिए उधर खा रही वो रही, हम खा रहे हैं। और मेरा खाना भी चढ़ा हुआ है, तभी हम जाते हैं दक्ष को किसी को देते हैं, उसके बाद हम फ्रेश होंगे अच्छे से। ये दिख रहा है अपने पापा को, इसके पापा उधर नाच रहे ही देख रहा है। देखिए ये मेरा दक्ष का दो दांत आ चुका है नीचे, तो आप लोग को दिखेगा अभी, दांत दिखाते हैं। तो बेटा या इतने छोटे छोटे दांत आया है और पूरा अच्छा लगता है, ये उंगली पकड़ के काटता है। देखिए कैसे लटक गया मेरे में, ये गिर भी सकता है तो आप पकड़िए नहीं तो ये घिस जाएगा। इसका काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर एक मेहमान आया नया, तो अभी हम आपको मिलाते हैं, चलिए हमारे साथ। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर नया मेहमान आया, तो वाकई में मेरे घर नया मेहमान आया। रोज आती थी तो मैंने इसे रख लिया घर में, सोच रहे खरीद लें लेकिन अभी खरीदे नहीं हैं क्योंकि मेरे घर में आकर के रोज ये बैठ जाती है। और इसका नाम फुलटुसनी है। क्या है? फुलटुसनी। आई दक्ष इसके साथ खेलते रहता है इसीलिए इधर बैठ करके। दक्ष दक्ष मज़ा आ रहा है खेलने में, इसके साथ ही खेलते रहता है, दोनों मिल करके अपना खेलता है, इसीलिए मैंने दक्ष के लिए ले दिया। तो फ्रेंड हमारा ये नया मेहमान आप लोगों को कैसा लगा? एकदम प्यारा सा है, कलर भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड आप बताइए कि मैं इसे घर में रख लूँ हमेशा के लिए या नहीं रखूँ, मैं आप चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इसे मैं खाने पीने के लिए सब चीज़ देता हूँ, चाहे वो पेड़ का पत्ता हो चाहे वो घर का खाना हो, तो ये खाती है और देख सकते हैं चुपचाप बैठी रहती है। और इसके इससे मेरा बेटा और जीवा दोनों खुश रहता है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसे ले लूँ। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मेरे घर में छोटा छोटा खरगोश था, तो खरगोश को हम लोग छोड़ दिए जंगल में जा कर के, क्योंकि हम लोग ने सोच रहे थे इधर उधर चलाया था, कुत्ता लोग से डर लगता था क्योंकि कुत्ता लोग उस पर अटैक कर देता था बार बार, तो हम ड्यूटी चले जाते थे तो कैसे हम उसको अच्छा से रख पाते हैं, हो सके खा हो जाता, इसीलिए हम लोग इसको जंगल में छोड़ दिए थे। तो फ्रेंड इसी तरह हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। और अभी फगुनिया भी उधर तो पूरा काम करने में लगी है, घर का पूरा काम है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए, और ये चैनल हमारा नया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमेशा ब्लॉग अब इसी पे मिलेगा।